न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और शुक्रवार से दो दिनों के लिए शुरू हो रहे लॉकडाउन प्रक्रिया के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। कहा, बाजारों को कराए बंद, आवश्यक सेवाओं को रखें बहाल, जिससे लग सके कोरोना पर लगाम। गोरखपुर का दुर्दांत अपराधी और 50,000 के इनामी बदमाश को एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया ढेर। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसके पास से देसी राइफल 315 बोर, एक बंदूक देसी 12 बोर, देसी पिस्टल एवं तमंचा भी किया बरामद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में 10 जुलाई रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। जिलाधिकारी ने कहा, जिले में दो दिनों के लिए लॉकडाउन के साथ तीन थाना क्षेत्रों में 17 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। होगा सभी का स्वास्थ्य परीक्षण, जनता करे सहयोग। 10 जुलाई की रात्रि से शुरू हो रहे लॉकडाउन के मद्देनजर पूरे रेंज में पुलिस व्यवस्था को किया गया अलर्ट। डीआईजी रेंज ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से कराया जाएगा पालन। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया गया निरीक्षण। अधीक्षकों को दिए निर्देश, कहा सभी एएनएम एवं आशा को निर्देशित करें कि बुखार के मरीजों को सर्वेक्षण कर ईटीसी में भेजना करें सुनिश्चित। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। कहा, अगर हो कोई दिक्कत तो करें कंट्रोल रूम से संपर्क या जिलाधिकारी को दे सूचना, होगी त्वरित कार्रवाई। जिला प्रशासन द्वारा महानगर के कुछ थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के मद्देनजर एसपी सिटी ने किया पैदल गश्त। लोगों से की अपील, कहा लॉकडाउन के नियमों का करें पालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद के परिसर में शुक्रवार को कुलपति सहित अन्य शिक्षकों ने किया अशोक के वृक्षों का वृक्षारोपण। कहा, जीवन में खुशी चाहते हैं तो जरूर लगाएं एक वृक्ष। गोरखपुर जनपद में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण। जिले में मिले 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 548, जिसमें 335 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। दो कोरोना मरीजों की भी हुई मौत, अब तक कुल मरने वालों की संख्या हुई 17। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अभियोजन अधिकारियों की बैठक, लंबित मुकदमों को समय से निस्तारण करने के दिए निर्देश। मानसून के दस्तक देने के बाद लगातार हो रही झमाझम बारिश से जिला चिकित्सालय में सर्दी खांसी बुखार और सांस फूलने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। ओपीडी में तैनात डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मरीजों का कर रहे हैं समुचित इलाज। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को भी हुई भारी वर्षा, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित, नदियां भी पहुंची उफान पर।